साध्वी प्राची का विवादित बयान, बोली मुस्लिम बहन बेटियों को खुला ऑफर, हिंदू लड़कों से शादी करे। दोस्तों आपको बता दें, बरेली में गुरुवार को सर्किट हाउस में पहुंची विश्व हिंदू परिषद की फायरब्रांड नेता साध्वी प्राची ने कई मुद्दों पर बयान देकर हलचल मचा दी है। आपको बता दें, अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के घर वापसी के बयान पर साध्वी ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वालों का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो सबके पूर्वज राम, कृष्ण और बाबा भोलेनाथ ही मिलेंगे। साध्वी प्राची ने कहा कि जो बहन बेटियां तपती दोपहरी के 50 डिग्री तापमान में काले लिबास में वक्त काटती हैं, उनके लिए खुला ऑफर है। वो बेटियाँ हिंदू लड़कों से शादी करें तो कई फायदे होंगे, वो खुशहाल जिंदगी जी सकेंगी, उन्हें ना काले लिबास में रहना होगा और ना ही 3 तलाक वे हलाला झेलना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा साई बाबा पर दिए बयान का भी साध्वी प्राची ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि साई बाबा पीर फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। धीरेन्द्र शास्त्री ने साई को लेकर बिल्कुल सही बयान दिया है। रामनवमी पर बिहार और पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के सवाल पर साध्वी प्राची ने कहा कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टिकरण को बढ़ावा दे रही हैं, वो नहीं जानती कि बंगाल के जो हालात हैं उनमें एक वक्त वो खुद सुरक्षित नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि बिहार में हिंसा हो रही है और वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजा इफ्तार में खजूर खा रहे हैं। दोनों ही प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। ममता बनर्जी के एक बयान पर उन्होंने कहा कि पथराव हमेशा हिंदुओं या सैनिकों पर ही होता है। ममता बताए कि किसी और समुदाय के यहाँ पथराव क्यों नहीं हुआ है।